हेलो एवरीवन, ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है वो अक्सर आपके पूरे पेट को प्रभावित करती है। ट्विन प्रेगनेंसी के 8th मंथ तक जो आपके पेट का उभार होता है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा निकला हुआ होता है। आपका जो पेट होता है वो इस टाइम तक बहुत ज्यादा भारी भी हो जाता है और ट्विन प्रेगनेंसी के 8th मंथ तक आपके गर्भाशय की जो दीवार होती है वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती है। इसीलिए आप अपनी ट्विन्स बेबी की जो हलचल होती है वो बहुत ही आसानी से देख पाती हैं। और अब आपको पीठ दर्द और आपको थकावट बहुत ज्यादा होने की संभावना है। ट्विन प्रेगनेंसी के 8th मंथ में आपको पूरी बॉडी में दर्द होना प्लस ऐठन होना और आपको कॉन्ट्रैक्शन महसूस होना एंड इसके अलावा आपको सूजन भी महसूस हो सकती है और आपको चक्कर भी आ सकते हैं एंड इसके साथ ही आपकी पूरी बॉडी में खुजली भी हो सकती है और आपको इस टाइम तक हर काम में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। उठने बैठने लेटने खाने पीने सोने नहाने बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है एंड इसके साथ ही आपके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा दर्द रहना शुरू हो जाएगा। सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, नींद आने की भी बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आपको जब भी दिन में नींद आती है तो आप उस समय सोने की पूरी कोशिश जरूर करें और इस समय आपको डेली मालिश जरूर करनी है एंड अपनी बैक में दर्द का ट्यूब भी जरूर लगाना है। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और ये सारी चीजें ट्विन प्रेगनेंसी के बढ़ते वीक्स में बिल्कुल नॉर्मल हैं। और इस दौरान आप जितना ज्यादा रिलैक्स करती हैं तो आपका जो बेबी का वेट होता है वो भी बहुत ही अच्छे से गेन होगा। अगर आप पूरे दिन काम में लगी रहेंगी तो इससे आपके बच्चों के वजन पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और इस समय आपको डॉक्टर के पास जब भी जाना पड़े तो आप बिल्कुल भी अकेले ना जाएं और आप इस समय अपने डॉक्टर का जो नंबर है वो हमेशा अपने पास जरूर रखें। और आपको ट्विन प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर पानी का भी सेवन बहुत अच्छी मात्रा में जरूर करना है और इस समय तक जो आपका पेट है वो बहुत ही ज्यादा खिंचा हुआ और तना हुआ सा आपको महसूस होगा तो इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और कभी कभी हो सकता है कि बच्चों के मूवमेंट के साथ आपको हल्का पुल्का पेन भी महसूस हो तो इसको भी लेकर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और इस मंथ से आपको सीढ़ियां बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तभी आप चढ़े, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ना चढ़े। जितना ज्यादा हो सके बचने की कोशिश जरूर करें क्योंकि आपका पेट अब इतना बड़ा हो चुका है तो इतने ज्यादा बड़े पेट के साथ अब आपके लिए पूरे दिन घूमना फिरना या फिर पूरे दिन काम करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब आपको जो है घर के काम बहुत ही लिमिट में करने हैं तो जितना हो सके आप अपने हस्बैंड और अपने घर वालों से काम कराने की कोशिश करें। अब आप जितनी भी डेली वॉक करती हैं उसके अलावा आपको ज्यादा से ज्यादा अपने आप को आराम देना बेहद जरूरी है क्योंकि इस टाइम पर आप जब भी आराम करेंगी तो अपने पैरों को जब भी ऊपर उठाएंगी ऐसा करने से आपके प्लासेंटा में ब्लड फ्लो में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है और जब प्लासेंटा में ब्लड का फ्लो अच्छे से होता है तो आपके दोनों बेबी को बढ़ने में अधिक मदद मिलती है। कि 8th मंथ से हो सकता है कि आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाए स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि आप जो है झाड़ू लगाइए पोछा लगाइए या घर के काम करिए, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये आपकी सिंगल प्रेगनेंसी नहीं है, ये आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है। तो बढ़ते टाइम पर आपके लिए पोछा लगाना या घर के बहुत सारे काम करना या पूरे दिन एक्टिव रहना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी की भी बातों में आके बिल्कुल भी अपने शरीर को परेशान ना करें। अगर आप जबरदस्ती कोई भी काम करती हैं या जबरदस्ती पोछा लगाती हैं तो इससे आपका पेट दबेगा, पेट पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी की भी संभावना हो जाए और बच्चों को भी दिक्कत होगी। बिल्कुल भी आपको कोई भी काम लापरवाही से नहीं करना है। इस समय आपका सिर्फ काम होगा अपना ख्याल रखना, हेल्दी चीजों का सेवन करना और ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को रिलैक्स करना और फालतू कामों से बिल्कुल दूर रहना है। और इस मंथ से आपको बार बार यूरिन भी जाना पड़ सकता है तो इस वजह से आप पानी की मात्रा बिल्कुल भी कम ना करें और ट्विन प्रेगनेंसी के शुरुआत से लेकर अंत तक जितना ज्यादा हो सके हेल्दी से हेल्दी भोजन ही करना चाहिए क्योंकि जब आप ट्विन्स बेबी को जन्म देती हैं ऐसे में आपको और आपके दोनों बच्चों को पोषित रहने के लिए पोषक तत्वों की बेहद जरूरत पड़ती है। आप इस दौरान अगर आयरन और प्रोटीन से भरपूर कोई भी चीज खाती हैं तो इससे आपको और आपके दोनों बच्चों को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा।
और इसके साथ ही आप जो है एनर्जेटिक महसूस करेंगी। तो इस समय आपको जितना ज्यादा हो सके तले हुए आइटम बिल्कुल अवॉइड करने हैं, बाहर की चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है, एंड आपको फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, मट्ठा है, दूध है, पानी है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, इन चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। आपको ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन जरूर करना है, उसको बिल्कुल अवॉइड ना करें।